और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। सदगण, विधायकगण, ये सब भी वहां मौजूद हैं, मैं उन सब का भी इस समारोह में स्वागत करता हूं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी IITian है और IIT में पढ़े लिखे होने के कारण वो स्वभाव से हर चीज में टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं और इसलिए ये समारोह भी टेक्नोलॉजी से भरपूर है, साथ साथ ये इनिशिएटिव भी टेक्नोलॉजी वाला है। और मनोज जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया, उनका अपना टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण बहुत ही उत्तम प्रकार के उनके इनपुट्स मिले और उसका नतीजा है कि आज देश को एक बहुत बड़ा नजराना मिल रहा है। और आज 1 सितंबर देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरुआत होने के नाते याद किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब, सामान्य मानवी तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले कुछ समूहों तक, यानी एक एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस इनिशिएटिव से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार, ये सिर्फ एक घोषवाक्य नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के 650 जिलों में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं प्रारंभ हो रही हैं और हमारी चिट्ठियां लेने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने यहां एक प्रदर्शनी देखी, क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे काम होना है, इस बारे में विस्तार से मुझे बताया गया और हो सकता है वो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा। और जब मैं इसे देख रहा था, वहां जो विशेषज्ञ थे जो मुझे इस सारी योजना का खाका समझा रहे थे, और तब मैं एक विश्वास, मेरे भीतर एक आत्मसंतोष का भाव जग रहा था कि ऐसे साथियों के साथ रह करके उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका ये प्रयास जरूर नया रंग लाएगा।
और मुझे याद है कि एक जमाना था और डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं हमारे यहां बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था, भाले पर एक गुंगरू बंधा रहता था, बेल बंधा रहता था और वो चलता था तो गुंगरू की आवाज आती थी। एक गांव से दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और गुंगुर की आवाज आती थी तो उस इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो, जाते हो, चोर लुटेरे रहते हो, लेकिन जब गुंगुर की आवाज आती थी, ये डाकिया है, कोई चोर लुटेरा उनको परेशान नहीं करता था। उन चोर लुटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी गरीब मां के लिए मनी ऑर्डर लेके जा रहा है। आपको मालूम होगा अभी तो एक घर में पता हर कोने में शायद घड़ी पड़ी होगी, लेकिन पहले गांव में शायद एक आध टावर हो तो घड़ी होती थी, वरना घड़ी कहां होती थी। और मैं उस जिंदगी जी करके आया हूं तो मुझे मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते थे और जरूर पूछते थे डाकिया आ गया क्या, शायद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दिन में दो चार बार ये पूछता ना हो डाकिया आ गया क्या। लोगों को लगता होगा कि क्या उनकी कोई डाक आने वाली, डाक तो आती नहीं, लेकिन वो डाक के लिए नहीं पूछता था, उसे मालूम था कि डाकिया आ गया मतलब घड़ी में इतना टाइम हुआ होगा। यानी समय की पाबंदी, डाकिया आया कि नहीं आया इसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में तय होती। और इसलिए एक प्रकार से डाकिया हर परिवार से एक इमोशनल कनेक्ट चिट्ठियों से जुड़ा होता था। और इसलिए पप्पूलाल जी कॉली अपना ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल से इनकम लेते हुए पोस्टमैन साहब मनी ऑर्डर देते हुए पप्पूलाल जी कोहली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। भीलवाड़ा पोस्ट ऑफिस से श्रीमान पप्पूलाल जी कोहली अपनी इनकम लेते हुए आज इनके 2500 का इनकम मनी ऑर्डर आए हैं और बहुत जबरदस्त सिस्टम